हाथों से लिपट जाता है एक सवाल, तुम क्यों लिखते हो? जब अंतर मन घबराता है, जब अंतर मन घबराता है, मुख कुछ बोल न पाता है, जब खुद को ढूंढ न पाता हूं, तब मैं कलम उठाता हूं। जब अंतर मन घबराता है, मुख कुछ बोल न पाता है, जब खुद को ढूंढ न पाता हूं, तब मैं कलम उठाता हूं। मैं लिखता हूं अपने दिल के अरमान बहाने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को। जो देखा समझा दुनिया में वो उनको ही बतलाना है, जो देखा समझा दुनिया में वो उनको ही बतलाना है। शब्दों के जाल हैं भरे हुए, बस उनको सुलझाना है। दर्द होता है तो लिखता हूं, दर्द होता है तो लिखता हूं, लिखता हूं तो दर्द होता है। एक पीड़ा पड़ी है इस दिल पर, उससे छुटकारा पाने को मैं लिखता हूं अपने दिल के भार से मुक्ति पाने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को। जब याद किसी की आती है, जब याद किसी की आती है, कलम खुद ही उठ उठ जाती है। जब याद किसी की आती है, कलम खुद ही उठ उठ जाती है। दिल कागज लेकर आता है, वाणी शही बन जाती है। जो रूठा है वो लौट आए, जो रूठा है वो लौट आए, पूछने मेरे आंखों के पानी को। मैं लिखता हूं अपनी आवाज उन तक पहुंचाने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को। हम छूटे हैं अपनों से ऐसे जैसे पेड़ से टूटे पत्ते हैं, हम छूटे हैं अपनों से ऐसे जैसे पेड़ से टूटे पत्ते हैं। एक जरा सी बात के कारण कितने ही रिश्ते टूटे हैं। हम खड़े हैं इंतजार में उनके, बस इतना बतलाने को। मैं लिखता हूं खोया हुआ प्यार वो फिर से पाने को, मैं लिखता हूं खोया हुआ प्यार वो फिर से पाने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को। जो भूखे प्यासे बैठे हैं वो मंदिर मस्जिद के भिखारी हैं, जो भूखे प्यासे बैठे हैं वो मंदिर मस्जिद के भिखारी हैं, जो माखन मिश्री खाते हैं वो वहां के अधिकारी हैं। दिखती है उम्मीद अभी भी मुझको, एक नया सवेरा आएगा। दिखती है उम्मीद अभी भी मुझको, एक नया सवेरा आएगा। दर्द में डूबे उन लोगों की पीड़ा कोई हर ले जाएगा। सोए हुए सृष्टि के रचयिता हैं, सोए हुए सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें नींद से जगाने को। मैं लिखता हूं अपनी अरदास उन तक पहुंचाने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को। ये कलम नहीं तलवार है, ये कलम नहीं तलवार है, एक ऐसा हथियार है जिसने रौंदी है सत्ताएं कितनी, जिसका गवाह सारा संसार है। जो कुर्सी पर बैठ कर सोचता है वो राजा है, हम रोगी हैं। जो कुर्सी पर बैठ कर सोचता है वो राजा है, हम रोगी हैं। मैं लिखता हूं उनकी सत्ता को हिलाने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को, इस दुनिया से खुद की पहचान कराने को। जब अंतर मन घबराता है, वो कुछ बोल ना पाता है, जब खुद को ढूंढ ना पाता हूं, तब मैं कलम उठाता हूं, तब मैं कलम उठाता हूं, तब मैं कलम उठाता हूं। थैंक यू।